सलमान से मिलवाने वाली हूँ, जिनकी फिटनेस देखकर आप ये कहेंगे बॉडी हो तो ऐसी। हाय, मैं हूँ विशाल कोटिन और आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और बॉलीवुड पर। आज मैं आपको ले आया हूँ अपने जिम जिसका नाम है बॉडी डिजाइन, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कुछ एक्सरसाइज और फिटनेस सीक्रेट। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं फिटनेस की इस जर्नी पर। विशाल कोटियन के एक्सरसाइज और फिटनेस के राज जैसे हम जानने आए हैं, तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज जोरों शोरों से चल रही है। तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा होता है, इसमें कितनी मेहनत लग रही है। ये तो यूजुअल है, हर जिम में चेस्ट प्रेस करना सबको पसंद आता है क्योंकि चेस्ट इज योर बिगेस्ट मसल, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। और स्मिथ मशीन पे कर रहा हूँ तो इट्स ऑलरेडी असिस्टेड, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सबसे डिफिकल्ट होता है एब्स बनाना या कोई भी एक्सरसाइज जो आपके कोर को हिट करता है। सो होल्डिंग ऑन टू द कोर या एब्स बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है। और ये किसी भी जिम में आप पूछ सकते हैं या किसी भी इंस्ट्रक्टर को पूछ सकते हैं जो इस वक्त मुझे टच दे रहे हैं। सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई थिंक इज एब्स फॉलोड बाय द लेग्स, द इजिएस्ट इज द चेस्ट एंड आर्म्स। सो अभी मैं जो कर रहा हूँ इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसे ठीक फॉर्म से मारना, प्रॉपर नीचे तक लेना, टच द चेस्ट एंड टेक इट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गेट अ प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन एंड योर प्रॉपर मसल इज अटैक्ट। आप क्या लोगों को फिटनेस के राज बताना चाहेंगे, कुछ टिप्स अगर देना चाहें तो? आपके पास सिर्फ एक बॉडी है उसमें रहने के लिए, सो टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। मेकिंग अ गुड बॉडी इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग अ सिक्स पैक एब्स और या बड़े मसल हो, मेकिंग अ गुड बॉडी ऑल्सो अबाउट बींग हेल्दी। तो जो हमारे पौराणिक लोग साधु संत फॉलो करते थे वो कीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है पर कर सकते हैं। ठीक खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, कोशिश कीजिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें 16 घंटे, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 14 से 12 घंटे तक पेट खाली रखें। आई डोंट बिलीव इन डाइटिंग एंड एक्सरसाइजिंग, मैंने कभी डाइट और एक्सरसाइज नहीं किया है। आई बिलीव इन ईटिंग एंड ट्रेनिंग, सो आई ईट एंड बर्न इट आउट। सो हर एक बॉडी को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है डिपेंडिंग ऑन योर हाइट एंड एज। उससे थोड़ा सा अपने बॉडी को जितने कैलोरीज की जरूरत होती है उतने कैलोरीज काउंट कीजिए, उससे थोड़ा सा कम खाइए। आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन कैलोरी काउंट में अपनी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम खाइए और आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी होगी। दिन में सिर्फ एक घंटा निकालिए, जरूरी नहीं कि आप जिम आए, डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, प्ले अ स्पोर्ट दैट यू वॉन्ट। एक घंटा अगर अपने आप बॉडी को नहीं दे सकते तो फिर आप जी के क्या करेंगे। तो एक घंटा अपने बॉडी को दीजिए दिन में, वर्कआउट वेल, स्लीप वेल, डी स्ट्रेस, बी हैप्पी, और बहुत सारा ज्ञान हो गया। जाते जाते आप रावण भी बनकर आ रहे हैं, इतने खूबसूरत से रावण हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे फैंस और दर्शकों को? मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट हैंडसम रावण ऑन टेलीविजन एवर, तो मैं खुश होता हूँ इस बात से। किसको अच्छा नहीं लगेगा हैंडसम कहलाना, पर मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। हैंडसम आप ओवरनाइट में ही हो जाते, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गुड लुकिंग हूं तो इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे माँ बाप की जीन्स है। लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैं 8 घंटे सोता हूँ, मैं अंडर कैलोरी खाना खाता हूँ, मतलब आई कीप अ कैलोरी डेफिसिट, मैं बस 1.25 घंटा वर्कआउट करता हूँ एंड आई टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। तो अगर ये सब आप करोगे तो आप भी हैंडसम हो सकते हो। वेल, ये थे हमारे साथ विशाल कोटियन, जिन्होंने कुछ फिटनेस के टिप्स दिए, इतनी सारी एक्सरसाइजेस दिखाई। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग भी घर से अपना आलस छोड़कर बाहर निकलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और रखेंगे खुद को फिट। कैमरामैन राजू के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कबीर सिंह के हिट होने के बाद साउथ की मूवीज को हिंदी में भी रिलीज करने का ट्रेंड